हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्र। आज के इस वीडियो में हम टीजीटी पीजीटी स्पेशल डेली टॉप 10 का पार्ट 8 डिस्कस करेंगे। और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो है, हु एमंग द फॉलोइंग राइटर्स हैज़ नॉट वॉन द नोबेल प्राइज़। इसमें पूछा गया है कि इनमें से आपको ये बताना है कि किस राइटर को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला है। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि मुल्कराज आनंद को जो है वो नोबेल प्राइज़ नहीं मिला है, और टी एस इलियट को 1948 में नोबेल प्राइज़ मिला था, और विलियम फॉकनर को 1950 में नोबेल प्राइज़ मिला था, और इसके बाद जो अर्नेस्ट हेमिंग्सवे हैं उनको 1954 में नोबेल प्राइज़ मिला था, लेकिन जो मुल्कराज आनंद हैं उनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला था। तो यहाँ पर नॉट पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द, यहाँ पे दो बार द आ गया है सो एक बार इसको कट कर दीजिएगा, व्हाट डज द एब्रिविएशन आईपीसी मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो अपने संविधान में जो आईपीसी शब्द है उसका अर्थ क्या है, किस वर्ड से उसको रिलेट किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इंडियन पेनल कोड। अगला क्वेश्चन है, पीरियड बिटवीन 1700 से लेकर के जो 1745 है इन इंग्लिश लिटरेचर इज कॉल्ड, इसे क्या कहा जाता है। तो ये जो पीरियड है 1700 से 1745 तक, इसे द ऑगस्टन एज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ रॉबिनसन क्रूशो, हु इज़ द ऑथर ऑफ रॉबिनसन क्रूशो। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, डैनियल डिफो। तो देखिए, जो रॉबिनसन क्रूशो है ये एक नोवेल है जो कि डैनियल डिफो का है, और इसका जो पहला पब्लिकेशन हुआ था वो 25 अप्रैल 1719 में हुआ था, ठीक है। और ये डैनियल डिफो का पहला फुल नरेटिव नोवेल है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा फोर का, इसका होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, द फादर ऑफ द इंग्लिश एसे। देखिए, क्वेश्चन सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं सो डोंट मिस एनी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, फ्रांसिस बेकन। देखिए, जो फ्रांसिस बेकन है उन्हें ही फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स रोट हिज फाइनेस्ट पोइट्री इन द फॉर्म ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट ब्राउनिंग। पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है उनकी पोइट्री, उनका जो पोइट्री का फॉर्म है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, द इंग्लिश नॉवेल एक्वायर्ड इट्स मॉडर्न फॉर्म इन द, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 18th century। इंग्लिश नॉवेल जो है वो मॉडर्न इंग्लिश में 18th century का है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स डिडंट विन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। तो अब यहाँ पर जो राइटर्स दिए हुए हैं, जिनके नाम दिए हुए हैं, उनमें से आपको बताना है कि किसे नोबेल प्राइज नहीं मिला है। तो जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है इनको मिला था 1925 में, और जो गॉल्सवर्दी हैं इनको मिला था 1932 में। इसके बाद जो विलियम बटलर ईट्स हैं, डब्ल्यू वी ईट्स हैं, उनको मिला था 1923 में, लेकिन जो जेम्स जॉयस हैं इनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, चूज द नेम ऑफ द रोमन इंग्लिश हु कंक्वर्ड इंग्लैंड इन 43 BC। सो इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, क्लॉडियस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, थॉमस मूर यूटोपिया इज सेट इन।
तो इसके लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, द न्यू वर्ल्ड। देखिए जो थॉमस मोर की यूटोपिया है, ये द न्यू वर्ल्ड एक फिक्शन टाइप वर्क है जिसमें पॉलिटिकल और फिलोसफी है उससे रिलेटेड इश्यूज बताए गए हैं, फिलोसॉफिकल इश्यूज हैं। और इसका जो पब्लिकेशन हुआ था ये हुआ था 1516 में, और ये लैटिन में इसका पब्लिकेशन हुआ था। इस यूटोपिया में क्या दिया हुआ है कि जो आइसलैंड सोसाइटी और उनके रिलीजियस के बारे में, उनके सोशल के बारे में, इनफैक्ट उनके पॉलिटिकल कस्टम के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। सो इस तरह इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। सो फ्रेंड्स, ये हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपके पास तक पहुंचते रहें। तो बने रहिएगा आपके अपने चैनल सक्सेस मंथ के साथ।